वैसी घटनाएं जिनके घटित होने की पूरी पूरी संभावना हो उसे अनुकूल घटना कहते हैं। मतलब जिसकी पूरी पूरी संभावना हो, एक्चुअली निश्चित घटना क्या हो गया, वैसी घटना जिसकी घटित होने की प्रायिकता एक हो, निश्चित घटना कहलाती है। तो निश्चित घटनाएं क्या होती है, वैसी घटनाएं जिसके घटित होने की प्रायिकता जो होती है वो 100% फिक्स होती है, वन होती है। मतलब क्या कि अगर एक हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक डाइस को, लीडो के छक्का को अगर हम फेंकते हैं तो क्या होगा, अगर हम बोले आपको कि 7 से छोटी संख्या आने की संभावना, तो आप बताइए लीडो के छक्का पर कितना कितना अंक होता है, 1 से लेकर 6 तक होते हैं। तो कोई कह रहा है कि 7 से छोटा है, अब बताइए उसमें 7 से छोटा तो सभी है, तो 100% होवे करेगा। मतलब यह ऐसा बात बोला जा रहा है कि 100% घटित होगा ही होगा, परंतु अगर हम बोल दें कि बताइए कि सम संख्या आने की घटना, तो लीडो के छक्का पे सम कौन कौन है, 2 है 4 है और 6 है, तो ये बात अलग हो गई। वहाँ पे 3 गो है विषम, तो 50% चांस उसका चांस कितना हो गया, 50% सम आएगा और 50% विषम आने का चांस है। बट जब कोई घटना के घटित होने का 100% चांस हो, तो आप समझ जाइए क्या कि वह एक निश्चित घटना है और उसका प्रायिकता कितना आएगा, 1। अब दूसरा क्या है, असंभव घटना, वैसी घटना जिसके घटित होने की प्रायिकता 0 हो उसे असंभव घटना कहते हैं। मतलब उसकी प्रायिकता 0 है, कैसे आएगा, जा देखिए आपको बोले कि जब एक लीडो को छक्का को फेंकते हैं और 7 से बड़ी संख्या है या 6 से बड़ी संख्या आने की संभावना बताइए, आप जरा कल्पना कीजिए कि आप उस पर तो 1 से लेकर 6 तक खाइए है, अब उसको फेंकेंगे तो 7 से बड़ा कैसे आ जाएगा उस पर बताइए, ये ऐसा घटना हो सकता है कभी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो गया, असंभव घटना होगा। इसकी इसका एग्जाम्पल यहाँ देखिए, तो पीई निकालेंगे तो क्या होगा, तो कितने ऐसे संख्या है जो लीडो के छक्का पर 6 से बड़ी है, तो एक भी ऐसी संख्या नहीं है, तो क्या कहेंगे, 0 है, नहीं है। अब कितनी संख्या है टोटल, तो उस पर 6 परिणाम है, तो 6 कर दिए, तो 0/6 करेंगे तो क्या आ गया, 0। मतलब अब देखिए असंभव घटना की प्रायिकता 0 आ गया, बिल्कुल क्लियर है, 0। एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, देखिए एक थैला में 5 लाल गेंद रखते हैं, 3 पीला गेंद रखते हैं और 2 नीला गेंद रखते हैं, 5 लाल 3 पीला और 2 नीला, तो 10 हो गया टोटल, 5 3 8 2 10 टोटल हो गया 10। अब आपको बोले सफ़ेद गेंद निकलने की घटना बताइए, तो झोला में रखा हुआ 3 रंग का गेंद है, लाल है पीला है और नीला है, तो सफ़ेद कैसे निकलेगा, सफ़ेद नहीं निकलेगा भाई, हम तो 10 गेंद रखबे किए हैं उसमें और वो लाल पीला और नीला है, तो सफ़ेद कैसे निकलेगा, तो ये घटना क्या हो गया, असंभव। तो स्वाभाविक है इसकी प्रायिकता क्या होगा, 0, क्यों, क्योंकि NE तो ठीक है भाई, हाँ सर NE कितना आ गया, NE कैसे आ गया, 0 आ गया, कितना क्यों आया, क्योंकि सफ़ेद कोई है ही नहीं, और NS कितना आ गया, NS तो 10 है, टोटल गेंद 10 है, तो क्या होगा, 0/10 क्या जाएगा, 0। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संभव घटना निश्चित घटना क्या होती है और की प्रायिकता 1 होती है, और असंभव घटना क्या होती है और उसकी प्रायिकता 0 होती है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे, पूरक घटना, वैसी 2 घटनाएं जिनमें 1 के घटित होने पर दूसरा नहीं हो, मतलब दूसरा घटना घटित नहीं हो, 1 हो गया तो दूसरा नहीं होगा, ये फिक्स है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, पूरक घटनाएं। जैसे एक सिक्का को छालते हैं तो हेड आ गया, तो स्वाभाविक है कि आप कह सकते हैं 100% के टेल नहीं आया हुआ, क्योंकि जब हेड एक ही सिक्का उछाले हैं तो जब उस पर हेड आ गया तो टेल कैसे आएगा, अगर टेल आ गया तो हेड कैसे आएगा, दोनों में से कोई एक ही घटना घटित होगा। मान लिए सुबह शाम को थोड़ा इग्नोर कर दें, सुबह वाला सिस्टम हटा दें, शाम वाला सिस्टम हटा दें, तो क्या होते हैं, दिन होता है नहीं तो रात होता है। अब अभी दिन है तो स्वाभाविक है रात नहीं होगा, अगर रात है तो दिन नहीं होगा, हम बोले कि दिन है तो आप समझ जाते हैं कि रात नहीं है, इसको कहना नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि ये पूरक घटनाएं हैं। अगर मान लिए बीच वाला लिंग को हटा दिया जाए तो एक होते हैं पुल्लिंग, एक होते हैं स्त्रीलिंग, अगर एक व्यक्ति पुल्लिंग है तो स्वाभाविक है पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग नहीं होगा, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग नहीं होगा। और एक बात याद रखिए, किसी घट अगर पूरक घटना है, सिर्फ पूरक घटना में अगर पी दर्शाता है किसको, घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, और पी नहीं दर्शाता है किसको, घटना ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 1।
ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है हमारा। और इसी पॉइंट को यहां पर लिख दिया गया है क्या, पीई डैश। ई डैश क्या है, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, पीई प्लस पीई डैश, क्योंकि नहीं लिखने में अच्छा नहीं लग रहा है यहां पे, तो नहीं को हम लोग क्या लिख देते हैं। अब देखिए जैसे आपको बताते हैं एग्जांपल कैसे वन आता है। देखिए हेड आने की प्रायिकता क्या था, एक सिक्का को छालते हैं तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, तो एक बटा दू। हेड नहीं आने की प्रायिकता कितना होगा, तो हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा, यानी टेल आने की प्रायिकता क्या होगा, तो टेल कैग होता है सिक्का में, एगो एक, और टोटल कितना होता है टेल दू, तो दोनों को जोड़ेंगे तो एक बटा टू कितना हो जाएगा, एक बटा टू यानी हो जाएगा दो बटा दू, तो कितना जाएगा वन। इस प्रकार से देखें पूरा घटना में, अगर होने की घटना ई है पी है और नहीं होने की घटना पी ई डैश है, तो स्वाभाविक है पी ई प्लस पी ई डैश बराबर वन होगा। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये तो सब कुछ समझ में आ चुका है हम लोगों को कि पूरा घटना क्या होता है, इसमें क्या संबंध है। अब एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो क्या है, किसी घटना ई के लिए, कोई घटना ई है मतलब कोई भी घटना हो, उसकी प्रायिकता जो होगी वो कितनी होगी, तो वो याद रखिए जीरो होगी, क्या होगी, जीरो के बराबर होगी या जीरो से बड़ा होगा। और कहां तक होगा, तो एक होगा और नहीं तो एक से छोटा होगा, यानी कि किसी भी घटना की प्रायिकता जीरो एक या उनके बीच होगी। अब देखिए जीरो किसका होता है, तो अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा जो घटनाएं असंभव होती है उसकी प्रायिकता जीरो होती है, और एक प्रायिकता किसका होता है, वैसी घटनाएं जो निश्चित रूप से होगी यानी निश्चित घटनाएं होती हैं उसकी प्रायिकता एक होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता कितना हो गया जीरो, और निश्चित घटना की प्रायिकता कितना हो गया वन, बाकी जितनी भी घटनाएं हैं उसकी प्रायिकता जीरो और एक के बीच में ही आएगा। याद रखिए प्रायिकता कभी भी एक से बड़ा नहीं हो सकता है और जीरो से छोटा नहीं हो सकता है, चाहे आप लाख कितना भी बड़ा संख्या कितना भी बड़ा चीज का आप प्रायिकता निकाल लीजिए, वह जीरो से एक के बीच में ही वैरी करेगा, ज्यादा नहीं होगा। तो एग्जाम में कैसे देता है क्वेश्चन, कि दे देगा कि किसी घटना ई की घटित होने की प्रायिकता निम्नलिखित में से कौन है, दे देगा दो, दो दशमलव पाँच, एक, जीरो पॉइंट पाँच। तो भाई दो होगा नहीं, दो दशमलव पाँच होगा नहीं, एक दशमलव पाँच होगा नहीं, क्योंकि अढ़ाई दो डेढ़ इतना होगा ही नहीं, जीरो दशमलव पाँच क्या होता है आधा, यानी जीरो पॉइंट फाइव क्या होता है जीरो और वन के बीच में वैरी करता है रहता है, तो हम कह सकते हैं कि जीरो पॉइंट फाइव ही प्रायिकता हो सकती है और दूसरा नहीं हो सकती, ऐसा देता है। ऐसा भी योजित बनाता है किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता जीरो है तो वह घटना कौन सी है, तो असंभव घटना है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता एक है तो कौन सी घटना है, तो निश्चित घटना है। इसी को रिवर्स करके देता है, निश्चित घटना की प्रायिकता निम्नलिखित में से कौन होगी, जीरो एक दो तीन जीरो पॉइंट फाइव डाल दिया, तो उसे चुन सकते हैं कि हाँ निश्चित घटना है तो प्रायिकता एक होगी। इसी को घुमा फिरा के हर साल एक न एक ऑब्जेक्टिव रहता है, इसीलिए इस पॉइंट को समझ लीजिए। और अगला पॉइंट क्या है, ये जो पॉइंट देख रहे हैं दूसरा नंबर नोट, ये अभी अभी बता चुके हैं हम लोग, निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है, असंभव घटना की प्रायिकता जीरो होती है, और ये भी बता दिए हैं कि घटना ई जो है घटना के घटित होने की संभावना है और ई डैश घटना के नहीं होने की दर्शाता है, तो पी ई यानी कि घटना ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता बराबर एक माइनस घटना ई के होने की प्रायिकता, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में क्या, पी ई डैश इज इक्वल टू वन माइनस पी ई। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो इसी का रूप है। तो प्रायिकता के क्वेश्चंस को बनाने के लिए कुछ चीज़ों की जानकारी होना अति आवश्यक है। वह क्या है कि यदि हम दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो क्या होता है, फिर हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे यदि हम दो पासों को एक साथ उछालते हैं तो क्या होता है, और तीसरा चीज़ देखेंगे कि ताश की गड्डी में कौन कौन से पत्ते होते हैं और किस प्रकार के पत्ते होते हैं उनकी जानकारी लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर हम दो सिक्कों को उछालते हैं तो देखिए एक सिक्का ये है और एक सिक्का ये है, इस पे भी हेड है और इस पे भी हेड टेल है, और इस पे भी वही काम है, इस पे भी हेड है और इसमें भी टेल है। अब जब हम इसको एक साथ उछालते हैं तो क्या हो सकता है दोनों पर हेड हेड आए, हो सकता है दोनों पर टेल टेल आए, यह भी हो सकता है कि पहला पर हेड दूसरा पर टेल आए, और यह भी हो सकता है कि पहला पर टेल और दूसरा पर हेड आए।
इसके अलावा और कोई संभावित परिणाम नहीं हो सकते हैं। यानी कि जो फॉर्मूला है क्या, पी बराबर एन ई बटा एन एस, इसमें क्या क्या चीज पता हो गया हमको, तो पी एस पता हो चुका है और सॉरी यहाँ पे एन एस होता है, तो एन एस पता हो चुका है, एन ई निकालना रहेगा बस। तो चलिए अब इसका हम लोग पी एस लिख लेते हैं, एन एस लिख लेते हैं, कितना होगा, तो एन एस बराबर हो जाएगा 4। कितने संभावित परिणाम है, तो 4। सिक्का का केस आ चुका है, अब हम लोग पहला केस पढ़ लिए, दूसरा केस पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा केस क्या है, लीडो का छक्का यानी डाइस। डाइस एक डाइस वर्गाकार होते हैं, 6 फलक होते हैं, तो 6 अंक इस पर अंकित होते हैं, 1 से लेकर 6 तक उसमें बिंदु के रूप में या तो संख्या के रूप में अंकित किए जाते हैं उस पर। तो ऐसे में आप या तो बिंदु होगा या तो संख्या भी होता है। तो इस प्रकार से अब हम 2 डाइस लिए हैं, 1 डाइस नहीं लिए हैं, यहाँ पे 2 डाइस लिए हैं। 2 डाइस लेंगे तो स्वाभाविक है कितने संभावित परिणाम बनेंगे, उन सभी का हम लोग एक समुच्चय बनाते हैं। तो देखिए 1 डाइस पर 1 से लेकर 6 तक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इस पर भी कितना होता होगा अंकित, तो इस पर भी हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम संख्या के रूप में लिए हैं, ज़्यादातर बिंदु के रूप में रहता है, बिंदु बनाएंगे जटिल हो जाएगा, इसलिए संख्या लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम लोग, सिंपल स्पेस को तैयार कर लेते हैं, बस मिनटों में आप खुद तैयार कर लीजिएगा, ऐसे तो किताब में दे दिया गया परंतु आप खुद तैयार कर सकते हैं इसको। जैसे त्रिकोणमिति का टेबल हम लोग खुद तैयार किए थे, उसी प्रकार से टेबल भी तैयार कर सकते हैं। कैसे, देखिए हो सकता है 1 पर 1 आए, फिर 1 आए, फिर इसमें हम 1 लेते हैं, फिर 2, इस प्रकार से हम लोग पूरा लिख लेते हैं, 1 4 1 5 1 6 पूरा लिख लिए। फिर 2 से 2 वाला हम लिखें क्या, इस पर 2 आएगा, 1 2 2 2 3, इस प्रकार रोक दीजिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि जब 2 पासों को फेंकते हैं तो उसका पूरा सिंपल स्पेस निकाल लिए, क्या आया देखिए, 2 1 फिर 2 2 फिर 2 3 2 4 और 2 5 फिर 2 6, फिर 3 बनाए में 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, इस प्रकार से हम लिख लिए 6 बनाए लिखे 6 1, इसमें का 6 इसमें का 1, इसमें का 6 इसमें का 2, 6 2 6 इसका 3, फिर 6 इसका 4, 6 इसका 5 इसका 6 इसका 6, इस प्रकार से हम लोग इसका पूरा स्पेस बना लिए। अब इसको आप काउंट करते हैं तो ये 6 × 6 क्या आ जाएगा, 36, यानी कि 36 पूरा आ जाएगा। ये तो कितना आ गया, एन एस इसका फिक्स हो गया क्या कि 36 होगा। इस प्रकार से पूरा हम इसकी जानकारी ले लिए। अब बात करते हैं तो आप इस पे जैसे सवाल रहेगा ना उसे बनाइएगा, बट एन एस फिक्स हो चुका है कि 36 होगा, ये सब काम आने वाला है आपको क्वेश्चन बनाने में। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे नंबर पॉइंट पे जो है ताश से संबंधित, ताश जिसे आप कहते हैं प्ले कार्ड। तो ये प्ले कार्ड को आप बारीकी ढंग से समझिए क्या होता है। एक ताश के गड्डी से जैसे हम निकालते हैं तो इस रूप में होता है, इस रूप में ये 2 जोकर एक्स्ट्रा होते हैं कार्ड, इसकी बात नहीं यहाँ पे करनी है, यहाँ पे बात करनी है इन 52 पत्तों की गड्डी की। इस 52 पत्तों की गड्डी में 4 समूह होते हैं, 4 समूह कौन होते हैं ये आपका हम 4 बना लेते हैं तब आपको दिखाएंगे। देखिए इसमें सबसे पहले आपको बताएंगे इस लाल वाले कार्ड के, इसको हम लोग कहते हैं पान, और ये जो पान है इसको हम लोग बोलचाल के भाषा में बोलते हैं लाल पान। इस लाल पान में 13 पत्ते हैं, 4 समूह में बांट दिए हैं, 52 में 4 से भाग कर देंगे तो बराबर बराबर कितना आएगा, 13 का समूह बन चुका है। तो ये पान कितने हो गए, इसमें 13 पत्ते होंगे। अब 13 पत्तों में कौन कौन है इसको देखेंगे बाद में, पहले सबको दिखाते हैं, इसको पान कहते हैं। और ये है जिसको हम लोग बोलते हैं ठिकरी, ये है ईट, इसको हम लोग बोलेंगे गणित की भाषा में ईट, इसमें भी 13 पत्ते होंगे। और ये है सियाह, जिसे हम लोग बोलते हैं सियाह परंतु गणित की भाषा में बोलेंगे हुकुम। और ये लास्ट है आपका, इसको बोलते हैं चिड़िया, ये चिड़िया आकाश में नहीं उड़ती है, बस चिड़िया नाम है, इसको हम लोग बोलेंगे चेरी। चलिए
अब हम लोग बात करते हैं एक के अंदर हम देख लेते हैं तो चारों के अंदर भी समान रूप से हैं। तो एक को हम जानते हैं, इसमें क्या देखिए, पहले नंबर पे एक है, इसको इक्का बोलते हैं। अब यहाँ से हम लोग निकालना शुरू करते हैं, इक्का दुग्गी तिग्गी चौड़ा इस तरह से हम लोग निकालेंगे तो ये 10 तक कार्ड होंगे। अब ये 10 तक जो कार्ड हैं इस पर सिर्फ संख्याएँ हैं, जरा गौर से देखिए, 1, 2 सब पे संख्या, 3, 4, 5 सब पे संख्याएँ ही हैं। देखिए सब संख्याएँ हैं, कहीं से भी आपको कोई चित्र दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखिए देखिए पूरा 1 से लेकर 10 तक है संख्याएं। तो इसमें आपको क्या कह सकते हैं कि 1 से 10 तक संख्याएं होती हैं, इस पर कोई चित्र नहीं होता है। 3 जो इसमें का बच गया था वो 3 ये हैं, ये तो एक इसमें जो है ये, इसको बोलते हैं गुलाम, ये है बेगम और ये है बादशाह। ये बादशाह है, ये इनकी पत्नी है और ये इनके नौकर हैं। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग देखें क्या कि ये 3 चित्र वाले हैं, यानी इसको बोलते हैं फेस कार्ड। क्यों? क्योंकि इसका फेस दिया हुआ है तो फेस कार्ड। तो 13 वाले समूह में 3 फेस कार्ड हो गए और 10 संख्या वाले हो गए। अब यही चीज सेम टू सेम ये ईंट में भी लागू होगा, ईंट में भी वही होगा। ये 3 के जो होंगे 3 फेस कार्ड होंगे और 10 संख्याएँ होंगी। फिर यही स्याह में भी होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हुक्म, इसमें भी 3 फेस कार्ड होंगे, बाकी सब नंबर होंगे। और यही फिर यही रिपीट करेगा क्या चिड़ी में भी, इसमें भी 3 फेस कार्ड होंगे और बाकी सभी नंबर होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो प्रत्येक में कितने फेस कार्ड हो गए। तो प्रत्येक में फेस कार्ड की बात करें तो 3, 3 और 3, 3 चौका 12, 3, 3, 3 चारों में रहेगा, 3 चौका 12 फेस कार्ड हो चुके हैं। चलिए आप उसे आपसे सवाल करते हैं, जरा बताइएगा बादशाह कितने होंगे। तो चारों में एक एक होंगे तो 4 बादशाह होंगे। आप बताइए बेगम कितने होंगे, 4 होंगे, और गुलाम कितने होंगे, वो भी 4 होंगे। आप बात करें लाल रंग के कितने फेस कार्ड होंगे, देखिए तो लाल रंग के फेस कार्ड देखिए एक लाल रंग की बात हो रही, पान लाल पान की बात नहीं हो रही, लाल रंग का। तो लाल रंग में तो ईट भी आएगा और आपका लाल पान भी आएगा। देखिए तो आप यहां देख सकते हैं कि ये लाल पान में 3 और ईट में 3, तो 3, 3 कितने हो गए, 6। ये 6 फेस कार्ड ऐसे, सॉरी यहां पे संख्या लिया गया है, चलिए उनको बुलाते हैं। ये आ गए बादशाह, बेगम थोड़ा शर्माती है, वो नहीं दिखाई देगी अभी। बादशाह को देखिए, बेगम पर्दे में रहने दीजिए, पर्दों के चीज को पर्दे में रहने दीजिए। चलिए हाँ, बेगम छुपी रहती, चलिए बादशाह को देखिए यहाँ पे फिलहाल में। ये बादशाह भाई जी, नौकर भाई जी ने नहीं कहिए उसको, यहाँ ये बादशाह भाई जी बनाइए। तो ये 3, 3, 6 हो गए, ये 6 क्या हो गए फेस कार्ड, और क्या हुआ लाल रंग का। तो याद रखिए जब आपको आएगा कि लाल रंग का फेस कार्ड तो आप 3, 3, 6 की गणना कीजिएगा। और इसी प्रकार से काले में भी होंगे तो काले में भी कितने होंगे, 3, 3, 6, ठीक है। इसी प्रकार से हम इस सब के क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर मान लिए प्रश्न ये पूछ दें कि बताइए लाल रंग के कितने बेगम होंगे, तो आप आराम से कह सकते हैं चलिए उनको बेपर्दा किया जाए, ये लाल रंग की बेगम है और ये भी लाल रंग की बेगम ही है। हाँ, बट इतना फर्क है कि ये लाल रंग की बेगम, ये जो लाल रंग की बेगम ये भी है यह भी है, परंतु ये लाल पान की बेगम है। लाल पान की बेगम पढ़े थे ना 9th में, वही है। लाल पान की बेगम है और ये भी लाल रंग की बेगम है, लाल पान की बेगम नहीं है। इसको ईट का बेगम भी कह सकते हैं या लाल रंग की बेगम, दोनों को कहिए सीधे बात, दोनों को क्या ना कैसे कहेंगे हम लोग, लाल रंग की बेगम, ठीक है। लाल पान की बेगम ये, ईट के बेगम ये। इसी प्रकार से आप सब में इसको अलग अलग कर सकते हैं। चलिए तो आज इतना ही, अगर आप इतनी बातों को समझ गए हैं तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तब तक के इतना ही, जय हिंद जय भारत।